पीपल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा वर्मा। पटना सिटी बिहार में मॉनसून ने समय से पहले दस्तक दी है। लगातार चार दिनों से हो रही रुक रुक की बारिश ने मॉनसून की चिंता बढ़ा दी है। लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। इस बार बिहार में बाढ़ जैसे हालात बनते जा रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच पटना सिटी के कच्ची दरगाह पीपा पुल की बात हम कर रहे हैं। गंगा का पानी जैसे ही बढ़ने लगा है, वैसे ही इस पीपा पुल को खोल दिया गया है, जिसके बाद से दियारा वासी को आवागमन का एकमात्र साधन नाव ही रह गया है। लेकिन नाव की सवारी करना जोखिम भरा होता है, लेकिन इसी को देखते हुए सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से अभी तक इसको लेकर कोई पहल नहीं की गई है। बीजेपी की कार्यकारिणी बैठक को लेकर आज संजय जसवाल का बयान सामने आया, जहां 6 मार्च को आपको बता दें कि ये दूसरी बैठक है। कोरोना में पार्टी कार्यकर्ताओं ने काम किया, उसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभी को धन्यवाद दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी के नेताओं को कुछ लक्ष्य दिया था, सभी सांसद विधायकों को अपने क्षेत्र में लोगों को सप्ताह के 2 दिन टीकाकरण के लिए जागरूक करना है। सरकार के द्वारा दिए जा रहे मुफ्त राशन की मॉनिटरिंग करी जाएगी और गरीबों को लाभ भी पहुँचाया जाएगा। दूसरा, गरीब कल्याण योजना जो प्रधानमंत्री जी ने दीपावली तक दिया है, उसको हर गरीब को मिल सके और वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत कोई दूसरे जगह भी है तो उसको कोई तकलीफ नहीं हो, यह भी देखने की जिम्मेवारी कार्यकर्ताओं को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के नेता हैं, वह जहां भी FPOs बन रहे होंगे, MSME बन रहे होंगे, उनको सहयोग करेंगे। उनको अच्छे से जो 1,00,000 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी FPOs के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, उनके कार्यों में सहयोग करेंगे। उसको लेकर के अगर किसी तरह की भी ब्यूरोक्रेसी में दिक्कत है तो वह भी दिक्कत दूर करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के जिला के पदाधिकारी और प्रदेश के पदाधिकारी करेंगे, क्योंकि भारतीय औरंगाबाद में सर्पदंश से एक महिला की मौत हो गई। घटना मुसफ्फिल थाना क्षेत्र के करमा गांव की है। परिजनों ने बताया कि घर की बागवानी में मूली की बीज रोपने के दौरान सांप ने डस लिया। इलाज के लिए औरंगाबाद सदर अस्पताल लाने के क्रम में रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मौत हुआ है गिरवाई रोकने के लिए तो सांप काट दिया और काट के भी इलाज करवाए उधर नहीं उधर इलाज नहीं करवाए डायरेक्ट यहीं लेके आए तो। औरंगाबाद में उत्पाद विभाग की टीम ने मुफस्सिल थाना के चतरा मोड़ के पास से कार्रवाई कर महुआ लदा एक ट्रक को जहां जब्त किया, वहीं ट्रक के चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। ट्रक की जब तलाशी ली गई तो उस पर 40 किलो के 100 बोरे में रखा हुआ बरामद हुआ, जो कि गया ले जाया जा रहा था। त्वरित कार्रवाई करते हुए रामाबान पे उस ट्रक को रुकवाया गया। रुकवाने पे प्राप्त सूचना के आलोक में उसकी पूरी जांच की गई। जांच क्रम में 40 केजी अवैध मोवा फूल वाला बोरा, लगभग 100 बोरा, कुल मिला के लगभग 4,000 केजी अवैध मोवा फूल बरामद हुआ। ट्रक के चालक को गिरफ्तार किया गया, ट्रक को जब्त किया गया। माल कहाँ जा रहा था? ये गया है। औरंगाबाद में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर युवक की मौत हो गई। घटना रफीगंज थाना क्षेत्र के ढाडरा गांव के पास की है। हादसा उस वक्त हुआ जब अखिलेश नाम का युवक खेत में पशुओं को चारा दे रहा था। अखिलेश यादव गए थे गाय चराने के लिए, बाद में उनको एक अचानक ठनका गिरा उन पर और डेथ कर गए। कुछ देरी के बाद लोग देखे गए, उनको आए नहीं है तो फिर लोग देख रहे हैं कि वहाँ पर मास्क पड़े हुए हैं। फिर लाया औरंगाबाद में नदी में डूबकर एक बुजुर्ग की मौत हो गई। घटना पोथू थाना क्षेत्र के मदार नदी का है। हादसा उस वक्त हुआ जब भैंस चला रहे बुजुर्ग रघुवीर यादव की भैंस नदी में चली गई। भैंस को नदी से निकालने के दौरान नदी की तेज धार की चपेट में आ जाने के कारण डूबने से उनकी मौत हो गई। अधिक उम्र होने के कारण बेचारे डूब गए। जब अगल बगल आस पास के लोग लड़कन देखा मोतिहारी की केसरिया थाना क्षेत्र में
नाव पलटने के कारण पानी में डूबने से आपको बता दें कि दो युवक की मौत हो गई जबकि दो का इलाज निजी नर्सिंग होम में हो रहा है। बताया गया कि एक ही गांव के चार युवक नाव लेकर अपने पशुओं के लिए चारा काटने सारनपुर चावर की तरफ जा रहे थे, अचानक नाव का संतुलन बिगड़ गया और नाव पलट गई जिससे दो युवक की डूबने से मौके पर ही मौत हो गई। मुजफ्फरपुर में प्रधानमंत्री की घोषणा के बावजूद भी अनाज को लेकर के लापरवाही हो रही है। बता दें आपको कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के अधिकारी प्रधानमंत्री की घोषणा पर अमल नहीं कर रहे हैं। भले ही प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी है कि नवंबर माह तक राशन कार्ड धारकों को मुफ्त अनाज दिया जाए, पर जिले के अधिकारियों को इस योजना को कार्यान्वित करने में कोई रुचि नहीं दिख रही है। प्रखंड के जनवितरण दुकानदारों को मुफ्त बांटने के लिए राशन मुहैया ही नहीं कराया जा रहा है और दुकानदार परेशानी में पड़ चुके हैं। कनीय पदाधिकारी है जो इसमें कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? हम लोगों को भी जानकारी मिलना चाहिए, बैठक करके प्रखंड विकास पदाधिकारी, उनको भी जानकारी नहीं है। खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी जो प्रखंड के हैं उनको भी पता नहीं है। हम लोग जाएँ तो कहाँ जाएँ? कल ऐसे हम लोग जिलाधिकारी से मिलने का भी प्रोग्राम बना है आज की बैठक में, और प्रभारी मंत्री जी हमारे जिला को जो है मुकेश सहनी जी वो भी आ रहे हैं, तो हम लोग माननीय विधायक के साथ हो सकते। नवादा में रविवार को जिला पदाधिकारी यशपाल मीणा के द्वारा अतिथि गृह नवादा से बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के द्वारा संचालित कोविड-19 टीकाकरण जागरूकता अभियान रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश भर में 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए है। अब्दुल कईम अंसारी, चेयरमैन बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड। आज मैं नवादा में आया हुआ हूँ कि नीतीश कुमार जनाब वजीर आला बिहार ने पूरे बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान चलाया है। उसके तहत बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने अपने बोर्ड से एक भान जो है कोरोना वैक्सीनेशन जागरूकता भान जारी किया गया है। अभी DM साहब जो नवादा के हैं उन्होंने इसको हरी झंडी दिखाकर पूरे ज़िला में इसको रवाना किया गया है और इस तरह से पूरे नवादा में रविवार को सदर अस्पताल नवादा के जिला पदाधिकारी यशपाल मीणा के द्वारा पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ नवजात बच्चों को 2 बूंद खुराक पिलाकर किया गया। जिले भर में लगभग 4,50,000 5 वर्ष तक के बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि कोई भी बच्चा पोलियो खुराक से वंचित न रहे। और पूरे जिला भर में लगभग 4,50,000 बच्चों को हम लोग ये पोलियो ड्रॉप लाए हैं। आज से ये पोलियो अभियान का शुरुआत हुआ है, तो आप सबके माध्यम से मेरा अनुरोध रहेगा सभी जिलावासियों से, जो भी बच्चे हैं उन सबको पोलियो ड्रॉप 2 बूंद जरूर पिलाएं और इस जो अभियान को सफल जरूर बनाएं। धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए स्ट्रीट बस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।